हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो एजुकेशन एकेडमी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो सीबीएसई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस आया है 9th क्लास का, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। सीबीएसई ने बोला है कि 30% जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो चुका है, तो उसके बाद जो मार्किंग सिस्टम है, कौन से यूनिट से कितने मार्क्स का आएगा, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, वो आज मैं यहाँ आपको बताने जा रही हूँ। मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर से 27 मार्क्स का, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड से 26 मार्क्स का, मोशन फोर्स एंड वर्क इससे 27 मार्क्स का आएगा। थ्री यूनिट्स आएंगे आपके पास, उसके अंदर टोटल हो गया आपका 80। इंटरनल असेसमेंट जो आपकी स्कूल से जाती है वो 20 मार्क्स की, फिर आपका ग्रैंड टोटल हो गया 100। ठीक है, आपके मार्क्स तो आएंगे 100 में से, बट आपके जो बोर्ड की एग्ज़ाम जो आपका स्कूल का जो असेसमेंट है 80 मार्क्स का होगा और इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स की होगी। ओके, फर्स्ट यूनिट जो है आपका मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर, इसके अंदर से आपका नेचर ऑफ मैटर्स में आपके आ जाएगा एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, पार्टिकल नेचर इन देयर एंड देयर बेसिक यूनिट्स के अंदर से आपके आएंगे एटम एंड मॉलिक्यूल, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मासेस, मोल कंसेप्ट, रिलेशनशिप ऑफ मोल टू मास ऑफ द पार्टिकल एंड नंबर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपके आएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन, वैलेंसी, केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड, आइसोटोप्स एंड आइसोबार। फिर आपका यूनिट नंबर टू जो है द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड के अंदर सेल जो चैप्टर है उसमें से आपके आएगा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमारी सेल है उसके अंदर से आपको आएगा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में आपको आना चाहिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल की जो क्या फंक्शंस है, सेल मेम्ब्रेन, इनके जो सेल ऑर्गेनलीज हैं इनके बारे में, सेल वॉल, सेल इंक्लूजन, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी अपरेटस, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, इनके बेसिक स्ट्रक्चर एंड नंबर। टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में आपके आएंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यू, ओनली फोर टाइप ऑफ टिश्यू इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर सिर्फ फोर टाइप के टिश्यू आएंगे, मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यू इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर सिर्फ ये दो टाइप के टिश्यू आएंगे। हेल्थ एंड डिजीज़ के अंदर आपके आ जाता है हेल्थ एंड इट्स फेलियर, इन्फेक्शस एंड नॉन इन्फेक्शस डिजीज, देयर कॉजेज एंड देयर मैनिफेस्टेशन, डिजीज कॉज बाय माइक्रोब्स, वायरस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ एंड देयर प्रिवेंशन, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, पल्स पोलियो प्रोग्राम। ओके, फिर आपका आता है यूनिट नंबर थ्री मोशन फोर्स एंड वर्क, इसके अंदर आपके आएगा मोशन में आपके आएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म जो होती है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ में आपके आएगा फोर्स एंड मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, इनर्शिया ऑफ बॉडी, इनर्शिया एंड मास, मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ग्रेविटेशन में आपके आएगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट, फ्री फॉल, दीज टॉपिक विल कम फ्रॉम द ग्रेविटेशन। वर्क एनर्जी एंड पावर से आपके आएगा वर्क डन बाय अ फोर्स, एनर्जी, पावर की डेफिनेशंस, डेरिवेशंस तो नहीं होती इनमें, बट इनका क्या फॉर्मूला है, क्या इनकी यूनिट है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तीन जो यूनिट है आपके जो है एग्ज़ाम में आएंगे। और फोर्थ यूनिट जो है वो आपके सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए होगा। इंटरनल असेसमेंट में आपके क्या होगा कि आपको ये जो है इसके ऊपर पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, एक फाइल बनानी पड़ेगी जिसका मार्किंग सिस्टम आपकी टीचर जो है लगा के आपकी फिर आगे बोर्ड में जाएगी। इस यूनिट में आपके आ जाता है एयर, वाटर, सॉयल, एयर फॉर रेस्पिरेशन, फॉर कंबक्शन, फॉर मॉडरेटिंग टेम्परेचर, मूवमेंट्स ऑफ एयर एंड इट्स रोल इन ब्रिंगिंग रेन अक्रॉस इंडिया, एयर, वाटर एंड सॉयल पोल्यूशन, इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, होल्स इन ओजोन लेयर एंड द प्रोबेबल डैमेजेस, बायो जियो केमिकल साइकिल इन नेचर, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, इनकी जो साइकिल नेचर के अंदर चलती है उनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए।
उसके बाद आपके आता है प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स शुड बी कंडक्टेड अलॉन्ग साइड द कंसेप्ट टॉट इन द थ्योरी क्लासेज। जो आपकी थ्योरी क्लासेज में पढ़ाया जाएगा आपको, वो उन्हीं से रिलेटेड आपके जो है एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे। फर्स्ट आपका देखो प्रिपरेशन ऑफ, ये आपके यूनिट वन से लिया है, ट्रू सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट शुगर एंड एलम, अ सस्पेंशन ऑफ सॉयल चॉक पाउडर एंड फाइन सैंड इन वाटर, अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च इन वाटर एंड एग एल्ब्यूमिन मिल्क इन वाटर एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रांसपेरेंसी फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया एंड स्टेबिलिटी। फिर आपके प्रिपरेशन, ये आपका ये भी यूनिट वन से लिया गया है, मिक्सचर बनाओ कंपाउंड बनाओ, बिहेवियर टुवर्ड मैग्नेट, बिहेवियर टुवर्ड कार्बन डाइसल्फाइड एज अ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ हीट। फिर आपकी ये भी यूनिट नंबर वन से आएगी, आपकी थर्ड नंबर एक्सपेरिमेंट है। फिर उसके बाद आपका जो फोर्थ है प्रिपरेशन ऑफ स्टेन, ये आपका यूनिट नंबर टू से आएगा, राइट। फिर फिफ्थ जो है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा, ये भी आपके यूनिट टू से आ रहा है, ये प्रैक्टिकल्स हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ये यूनिट थ्री से है, एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉस इन वेट एंड सॉलिड व्हेन फुली इमर्स्ड इन टैप वाटर, ये आपके यूनिट थ्री से है। फिर उसके बाद आपका वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन, ये यूनिट थ्री से है। यूनिट फोर से कुछ भी प्रैक्टिकल में नहीं आएगा क्योंकि वो इंटरनल असेसमेंट के लिए है। तो ये आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी का जो है ये मार्किंग सिस्टम होगी, ये आपके यूनिट आएंगे, इनके अंदर से ये आपके टॉपिक्स आएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ नॉलेज मिली हो, तो प्लीज़ ये आगे शेयर करना सो दैट कि दूसरे बच्चों को भी सिलेबस जो है जल्द से जल्द पता चल सके। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।